तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिनीटेक चंदन। और आज हम आपको बताएंगे कि YouTube का थंबनेल कैसे बनाते हैं सिंपल 5 मिनट में। तो वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, सारे ऑप्शन देख लीजिएगा, कैसे उसको गैलरी में सेव करना है और कैसे बनाना है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल में अगर डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे पिक्सल लैब। पिक्सल लैब जैसे ही लिखेंगे ऊपर आ जाएगा पिक्सल लैब। तो आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे देख लीजिए ये आइकन वाला आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं केवल सिंपल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए पहले से बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसका साइज़ दूसरे तरह से रहेगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है थ्री डॉट पे आ जाना है। आने के बाद इसमें देखिए इमेज साइज लिखा हुआ है, इमेज साइज में हमको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। ये यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद इसका साइज जो है विड्थ 1280 और हाइट 720 ओके कर लेना। ओके करने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस ऐसा खुल कर आएगा। अब इसको चाहेंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इस इंटरफेस को आप कलर दूसरा भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो इंटरफेस ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं सिंपल ये इंटरफेस ले रहा हूँ, ये वाला मैं लेकर बनाता हूँ एक थंबनेल आपके सामने, जो कि इस वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हैं, सेम टू सेम थंबनेल है। तो मैं इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट पर आ जाता हूँ। ये रहा टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर लेता हूँ। ऐड टेक्स्ट करने के बाद इसमें मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल 5 मिनट में कैसे बनाएं, या 5 मिनट में बनाने का ट्रिक। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का थंबनेल का हेडिंग कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं इसको साइज़ ले लेता हूँ, अगर साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद इसमें हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड कर लिए तो ये थोड़ा सा मोटा हो चुका है। और देखिए यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट जैसा स्टाइल फॉन्ट का रखना चाहते हैं, इतना सारा फॉन्ट का स्टाइल है, आपको जो अच्छा लगे उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ फॉन्ट, इसको मैं ले लिया हूँ। लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। करने के बाद जब आ जाते हैं स्ट्रोक पर, स्ट्रोक पर आने के बाद स्ट्रोक पे कलर चेंज कर लेना है। पहले हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट का कलर के लिए यहाँ पे है ऑप्शन, तो इससे हम फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ब्लैक फॉन्ट ले लिया है, ब्लैक फॉन्ट लेने के बाद मैं स्ट्रोक पे जाता हूँ। स्ट्रोक पे जाने के बाद मैं ब्लू कलर का ये ले लेता हूँ, उसका स्ट्रोक ले लेता हूँ। तो ये तो समझ में आ नहीं रहा है, तो ऐसे भी ठीक है। आप इसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर टेक्स्ट में आप कर दीजिए, कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2022, यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद इसको भी मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर ले रहा हूँ। पहले साइज़ बड़ा करने के बाद इसको ओके कर दे रहा हूँ। यहाँ से कलर चूज कर ले रहा हूँ, जो मुझे चाहिए कलर चूज कर लिया। और इसका मैं इसका स्ट्रोक डाल लेता हूँ। डालने के बाद ये ऐसे कर लिया। और यहाँ पे अगर अपना फ़ोटो लगाना है तो फ़ोटो के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना है फ़ोटो। इंपोर्ट करने के बाद जहाँ पे आप फ़ोटो रखे, जैसे मैं फ़ोटोज में रखा हूँ, ऑल पे चले जाता हूँ। ऑल पे जाने के बाद मैं फ़ोटो एक चूज कर लेता हूँ जो मैं थंबनेल में यूज करना चाहता हूँ। जैसे इसको मैं थंबनेल में लेना चाहता हूँ, इसको यहाँ से जितना क्रॉप करके लेना है ले लिया मैंने। लेने के बाद यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इसको, जैसे मैं यहाँ पे इतना पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, अगर ऊपर करना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है टू फ्रंट और बैक, तो इसको बैक करना है। तो फोटो बैक में आ गया और यूट्यूब वाला इधर आ गया, लेकिन मैं इधर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इधर। और इसको सेंटर में चाहता हूँ, तो सेंटर में जाने के लिए टेक्स्ट पे चले जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अलाइन होगा, अलाइन सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद ये रहा सेंटर, और सेंटर करने के बाद मैं 2022 को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ से साइज़ कम कर सकते हैं, कम करके यहाँ पर रख दिया मैंने। और इसका कलर मैं कुछ दूसरा ही ले लेता हूँ, जैसे कि ये। तो सिंपल बनाने का तरीका यही है दोस्तों, आप इसे आसानी से थंबनेल जल्दी से बनाकर YouTube पे लगा सकते हैं। और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर से थ्री डॉट पे चले जाना है। और थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज कर देना है। इमेज करने के बाद
आपके सिप टू गैलरी में करने के लिए एक ऐड चलेगा, उस ऐड को थोड़ा सा देख लेना है। और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं से बैक आ जाइए, और बैक आने के बाद फ़ोटो में चले जाइए। फ़ोटोज में आपके गैलरी में ये सेव है, देखिए यहाँ पे सेव है। तो यही छोटी सी जानकारी थी, बतानी थी दोस्तों। तो फटाफट जब लाइक नहीं किए तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहें। आपका एक लाइक हमको मोटिवेशनल की ओर ले जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।